आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। यही वजह है कि इनकी चर्चा देश छोड़िए विदेश तक है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, चारा घोटाला समेत कई मामलों में उन पर केस चल रहे हैं, लेकिन अपने भाषण, अपने अंदाज और राजनीतिक में पकड़ को लेकर ऐसी छाप छोड़ी है कि आज भी बादशाह से कम नहीं है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से लेकर कई नेताओं ने जब भी लालू से मुलाकात की हो उनके सामने झुककर उनका आशीर्वाद लिया है। अब पैर छूकर आशीर्वाद लेने के मामले में इन दिनों वे चर्चा में हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। भारतीय जनता पार्टी भले ही लालू प्रसाद यादव को घेरती रहती हो, लेकिन आजमगढ़ से सांसद बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात कर एक बार फिर सियासी गर्मी तेज कर दी है। तस्वीर शेयर कर दिनेश लाल यादव ने ट्विटर पर लिखा, आज भोजपुरिया समाज के अभिभावक राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद लेवे के साथ ही उहा के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी भेल बा। माँ लालू जी की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमनी के ही पहलिया मुलाकात रहन बा। हमनी भोजपुरी लेकर खूब चर्चा कह ली। बीजेपी सांसद ने ट्विटर पर जैसे ही तस्वीर को शेयर किया तो सवाल भी उठने लगे, लोग कमेंट करने लगे, तंज कसने लगे। तो वहीं पर एक ने सवाल पूछ डाला। शनिवार को जैसे ही दिनेश लाल यादव ने तस्वीरें शेयर की थी तो एक यूजर्स ने पूछा था कि पलटी मारवे क्या। इसी तरह एक यूजर ने दिनेश लाल यादव से कहा कि दिनेश लाल जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दिनेश लाल यादव की नहीं बल्कि कई ऐसे और भी नेता हैं जो लालू का पैर छूकर आशीर्वाद ले चुके हैं। हाल ही में पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में कई दल के नेता शामिल हुए थे। टीएमसी चीफ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची थी। पटना आने के बाद मीटिंग से पहले उन्होंने लालू से मुलाकात की थी और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुए तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। दिसंबर 2022 में सिंगापुर में किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी दी थी। अब दिनेश लाल यादव की मुलाकात के बाद से सियासी गलियारे में इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। यूजर्स कमेंट करके अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।